अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज भी ब्लॉग्स में आज हम आपको लेकर आए हैं सफ़ीर मार्केट। एक्चुअली मुझे सफ़ीर मार्केट आना था क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था, और जो कि सिर्फ सफ़ीर मार्केट की जो अपने ब्रांड्स हैं उनमें मिलता है, और वो दुबई में अवेलेबल नहीं होते, तो हमें फिर दुबई से ऑल द वे शारजा आना पड़ा। तो फिर हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या लिया। अच्छा जी व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं सफ़ीर के अंदर। अब सफ़ीर के अंदर बेसिकली बहुत सारे ब्रांड्स हैं। स्पेशली मुझे आना था शू फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे कुछ शूज़ लेने थे, कुछ सैंडल्स लेनी थी जो कि सिर्फ शू फॉरेस्ट पे ही मिलते हैं। और फिर हम आए अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, बैग्स हैं, परफ्यूम्स हैं, शूज़ हैं, ऑल इन वन एक्चुअली सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन हमारा मेन कंसर्न था शूज़ और सैंडल्स। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ से जो हमें लेना था वो हमने शॉपिंग कर ली है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं शू फॉरेस्ट की दूसरी ब्रांच में, जो कि हज़ार विला पे है, क्योंकि इनके पास तो यहाँ से हमने कुछ मैंने सैंडल्स ली थी, और कुछ शूज़ और सैंडल का मेरा साइज़ नहीं था यहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि इनकी जो दूसरी ब्रांच है हज़ार विला में, वहाँ पर वो साइज़ अवेलेबल हैं। तो फिर मैंने यहाँ से जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली, और उसके बाद फिर हम लोग हज़ार विला के लिए निकले, क्योंकि मुझे वहाँ से लेना था साइज़ेस वगैरह जो थे मेरे अवेलेबल वहाँ पर। और अब ये रास्ते में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, और लेकिन होपफुली कि हमें आगे इतना ट्रैफिक ना मिले।
अच्छा जी, अब मैं हज़ारवेला पहुंच गई हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोरूम्स हैं हर तरीके के। यहाँ पे बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, शूज़ है, कपड़े हैं, हर तरीके के शोरूम्स हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर, अच्छा जी, तो यहाँ पर ये शू फॉरेस्ट में मैंने जो सामान लेना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए थे, सिर्फ मुझे जो था साइज़ पर्टिकुलर लेकर यहाँ से निकलना था। तो हम यहाँ से बस जल्दी से लेकर साइजेस और शूज़ एंड सैंडल्स लेके निकल गए थे। उसके बाद हम गए सेंटर पॉइंट, और ये है सेंटर पॉइंट का टॉय सेक्शन। यहाँ पे जो हैं टॉयज़ सारी एजेस के लिए अवेलेबल होते हैं, और ऑब्वियसली बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट सेक्शन है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले टॉय सेक्शन से ही स्टार्ट किया था। अच्छा जी, ये हम हैं सेंटर पॉइंट में, और सेंटर पॉइंट के अंदर तमाम जो है वो ब्रांड्स मौजूद होते हैं। और मैंने जो चीज़ एक नोट करी, वो तमाम जगह पर, सब जगह पर विंटर कलेक्शन ऑलमोस्ट आ चुका है, और इन्होंने जो बेसिकली प्रमोशंस लगाई हैं वो समर कलेक्शन पे हैं, व्हाट आई नोटिस्ड। और 50% तो नहीं था, 50% अप टू 50% लिखा हुआ था, बट वो 10-20% तक ही रहता है, 10-15-20%। इससे ज़्यादा तो बहुत कम चीज़ों पे होता है, लेकिन ऑब्वियसली फॉर द अट्रैक्शन अप टू 50% लिखा हुआ होता है। कुछ चीज़ों पे होता भी है, बट डिपेंड्स कि आपको वो लेना भी है कि नहीं। अच्छा जी व्यूअर्स, जो जो आज की हमारी शॉपिंग है, वो इंशाल्लाह ताला हम कुछ आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर अनबॉक्सिंग उसकी करेंगे, कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं और आपको दिखाएंगे, और इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब पे जाकर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, और ऑल ऑल का सेक्शन जो है वो ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं, मेरी वीडियोस जो हैं, आपको खुद ब खुद नोटिफाई होती रहेंगी, मिलती रहेंगी, जो आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग कुछ स्पेसिफ़िक देखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफ़िक शॉपिंग, कोई स्पेसिफ़िक मॉल, कोई स्पेसिफिक, तो अगर आप लोग कोई भी ख़ास चीज़, कोई भी ख़ास शॉपिंग, कोई भी ख़ास जगह, कोई भी ख़ास मॉल, कुछ भी देखना चाहते हैं, तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लिखे, तो फिर हम वहीं जाकर इंशाल्लाह शूट करेंगे अपना ब्लॉग। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।